दोस्तों, आज हम आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये कैसे काम करता है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है दोस्तों, और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। तो यहाँ पे आपको ये चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करने का होगा, तो हम इंस्टॉल कर रखा है, तो ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप के मोबाइल में दिख जाएगा। तो यहाँ पे इसको अलाउ करने का रहता है, यहाँ पे इसे कर देने का और अलाउ कर देने का। कुछ परमिशन मांग रहा है, हम इसको अलाउ कर देते हैं और उसके बाद पीछे। हाँ, तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें 10.43 GB का इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 घंटा 44 मिनट 9 सेकेंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे रिजोल्यूशन चूज कर लेंगे, 720 है तो 1080 कर देंगे यहाँ पे। और क्वालिटी में आप 6 Mbps कर दीजिएगा, और FPS यहाँ पे ऑटो रहने दीजिए, और ये ऑटो रहेगा। और रिकॉर्ड ऑडियो अगर ऑफ रहेगा तो ऑन कर दीजिएगा, और सेव लोकेशन में ये रहेगा, और काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड रहेगा। रिकॉर्डिंग मोड नॉर्मल मोड रहेगा, या फिर परफॉर्मेंस मोड तो नॉर्मल मोड ही रहने दीजिएगा। ये है सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। मतलब कि आप दोस्तों जब स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बार बार इधर से लाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि आप मोबाइल को हिलाएंगे तो फिर स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए इसको ऑन करना है। आपको मर्जी, आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इसको हाइड कर दीजिएगा तो ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा दोस्तों रिकॉर्ड करने लगेगा। तो इसको हम ऑन ऑफ ही करता हूँ। पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, तो ये भी ऑन ही रहेगा, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी कर देता हूँ, और कैमरा भी रखना है तो कैमरा ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे ब्रश है, तो ब्रश से आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको ब्रश को भी ओपन कर देता हूँ, ब्रश को भी यहाँ पे ला देता हूँ। और लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी जो भी रख सकते हैं। तो इसको बस इतना ही था, और यहाँ से